नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ व्हाट डज दिस डेटा से। पिछले हफ्ते वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ये रिलीज की गई थी 2022, एंड आई वाज गोइंग थ्रू दिस रिपोर्ट। नाउ दिस टॉक्स ऑफ लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज अराउंड द वर्ल्ड। द चार्ट विच यू आर सीइंग टॉक्स अबाउट वेल्थ इनइक्वालिटी, जो पैसे की असमानता है, वो इस रिपोर्ट में भी दी गई है। यहाँ आप देखेंगे द रिपोर्ट व्हाट इट सेज इज 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ओन्स ओनली 2% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का 50% जो पॉपुलेशन है वो केवल 2% वेल्थ को ओन करती है, और 10% पॉपुलेशन है वो 75% वेल्थ ओन करती है, जिसमें से लास्ट 1% जो पॉपुलेशन है वो 38% वेल्थ ओन करती है। दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट। मैंने ये पढ़नी शुरू की, देन आई थॉट कि पहले हम ये देखते हैं कि हमारे देश में क्या क्या इनइक्वालिटीज़ हैं और वो क्यों हैं। इस रिपोर्ट का जो फॉरवर्ड लिखा है वो अभिजीत बनर्जी एंड एस्थर डफलो, बोथ ऑफ देम आर नोबल लॉरेट्स, और उन्होंने शुरू में एक जो सेंटेंस लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। द जॉब ऑफ होल्डिंग अप ए मिरर टू द वर्ल्ड कैन बी ए फ्रस्ट्रेटिंग वन। व्हेन द न्यूज़ इज परसिस्टेंटली बैड, व्हेन द मिरर हाईलाइट्स मोर रिंकल्स देन वी वॉन्ट टू फेस अप टू, इट इज़ ईजी इनफ टू फाइंड एक्सक्यूजेस। दुनिया को आईना दिखाने का काम निराशाजनक हो सकता है। जब खबर लगातार बुरी हो तो दर्पण हमें अपने ही चेहरे पर ज़्यादा झुर्रियाँ दिखाने लगता है, और जिसका सामना हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तब बहाने बनाना बहुत आसान हो जाता है। शायद ये बात भारत पर पूरी तरह लागू होती है। चलिए अब आगे एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज बात करेंगे भारत में असमानताएं, और इस विषय का केंद्र होगा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैं इन स्टेट्स को बीमारू नहीं बोलना चाहता, वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए लेस डेवलप्ड स्टेट्स बोलता हूँ। अगर कोई और अच्छा शब्द हो तो आप बता दीजिए। और जो आज स्थिति है इन 5 राज्यों की, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम बार बार सुनते हैं मोदी जी बोलते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, तो हम एनालाइज करेंगे उन 70 सालों को और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहेंगे कि ये 5 स्टेट्स क्यों उन इतनी ख़राब हालत में हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने देश की जीडीपी से। जैसा कि मैंने पहले बोला था, जीडीपी की ग्रोथ रेट डिमोनेटाइजेशन के बाद कम होनी शुरू हो गई। उससे पहले ये ग्रोथ रेट 8% के ऊपर थी, उसके बाद ये 6 हुई, और धीरे धीरे कोरोना आने से पहले ये 4% हो गई थी। कोरोना की वजह से एकदम से गिरी -14.5%। अब इसमें कितना कोरोना का इफेक्ट था और कितना एक नेचुरल गिरावट थी, ऐसी आज तक कोई स्टडी हुई नहीं है। वापस अब 8.5 पर आई है, लेकिन वो मिला के भी अब हम पहुँचे हैं बेयरली 2018 के लेवल पर हम इस साल पहुँचेंगे। तो इस सब में कोरोना और डिमोनेटाइजेशन मिला के हम लोग भारत में 3 साल इकोनॉमिक एक्टिविटी या ग्रोथ हम खो चुके हैं। तो पहली जो असमानता है हमारे यहाँ वो है अमीरी गरीबी का। कई स्टेट्स बहुत ही गरीब हैं और कई उनसे कई मुकाबले में उनकी जीडीपी उनसे ज्यादा है। ये चार्ट आपको याद होगा, लास्ट वीक मैंने दिखाया था। ये स्टेट जीडीपी का चार्ट है जो आरबीआई ने 31 अक्टूबर 2021 तक का डेटा लेके बनाया है। इसमें सबसे कम जीडीपी वाला राज्य है बिहार, और उसके बाद आते हैं यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह। अगर हम बिहार को 100 माने तो उसके कंपैरिजन में बाकी स्टेट्स का डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है?
बिहार से 1.5 गुना है यूपी, झारखंड उसी लेवल पे है और आसाम है दुगना। और सबसे जो हाईएस्ट जीडीपी वाली स्टेट है वो बिहार से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो है गोवा। सिक्किम 9 दफ़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव है, 9 टाइम्स, दिल्ली 8.5 टाइम। तो उस हिसाब से जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो स्टेट्स हैं बीच की, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्रा, ये करीब बिहार से दुगनी या तिगनी प्रोडक्टिव हैं। उसके बाद ये ब्लू स्टेट्स आ जाती हैं, ये 5 गुना बिहार से प्रोडक्टिव है, और फिर ऊपर का दिल्ली वगैरह। तो ये एक बड़ी डिस्पैरिटी है हमारे देश में, जहाँ पे एक स्टेट जो है वो बहुत ही गरीब है और दूसरी जो है उससे 10 टाइम ज़्यादा प्रोडक्ट। ये जीडीपी मैप ऑफ इंडिया है, पर कैपिटा जीडीपी का ये मैप मैंने बनाया है। दिस विल गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और कितनी यहाँ पर इनइक्वालिटी है। जो हिंदी हार्टलैंड है राजस्थान को छोड़कर, वहाँ पे जीडीपी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में है। उसके बाद ऑरेंज स्टेट्स जो हैं वो 1 से 2 लाख के बीच में है। हिंदुस्तान की ओवरऑल जीडीपी जो है पर कैपिटा वो 1,22,000 थी पिछले साल। और जो ब्लू और ग्रीन और लाइट ग्रीन है, ये सारी स्टेट्स जो हैं वो 3 लाख 4 लाख ऐसे इसके ऊपर हैं। तो ये एक बार आप समझ लें कि ये जो लाल स्टेट्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर शासन आजकल बीजेपी का है, और आज से ही नहीं कई सालों से बीजेपी का ही चल रहा है। सेकंड पैरामीटर हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। 2018-19 का डेटा लास्ट कॉलम में दिया है, जहाँ पे ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन यानी कि शहरों में 77 प्रति हज़ार व्यक्ति है, 77 पर 1,000। बिहार में 105 का है ये फिगर, यूपी में 106 का है। बेस्ट स्टेट इंडिया में जो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है वो गुजरात है जहाँ 32, और नागालैंड सबसे वर्स्ट है जहाँ पे 211। तो अगेन अक्रॉस इंडिया देर इज़ अ वाइड डिस्पैरिटी ऑन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल में भी आप सिमिलर डेटा देखेंगे, जहाँ ऑल इंडिया फिगर 50 का है 18-19 में। यूपी, राजस्थान, ये झारखंड, ये लगभग जो हैं ऑल इंडिया फिगर के बराबर हैं। सबसे ख़राब स्टेट नागालैंड है, एंड बिहार अगेन 102 है, जो कि डबल रेट है ऑल इंडिया रेट से। ये भी फिगर्स पर 1,000 के हैं, और ये है रूरल यानी कि गांव में अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 102 है, जो इंडिया एवरेज से दुगना है। शायद इसीलिए बिहारी लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपनी रोज़गार कमाने के लिए। तीसरा एक जो पैरामीटर मैंने चुना है वो है हाईवेज़ का। यूपी इतना बड़ा राज्य हो के भी 2018 में जितना हाईवेज़ बने, करीब 1,86,908 किलोमीटर के, उसमें से केवल 3.6% यूपी में बने। और यही देखिए आप, महाराष्ट्र में करीब करीब 21% जो था वो महाराष्ट्र में बने। अगर नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र से आते हैं तो मोदी जी तो यूपी से आते हैं। तो यहाँ यूपी में ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? बिहार में केवल 2%, जिसे केवल 4,000 किलोमीटर के 2018 में हाईवे बन पाए हैं। बाकी राज्य में आप कर्नाटका में 10% हाईवे बने, गुजरात 9%, तमिलनाडु जो कि बहुत छोटा है एरिया वाइज, वहाँ 6% हाईवे बने। तो ये जो हमारी स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, झारखंड, झारखंड में 1% से कम हाईवे बने हैं 2018 में। तो यहाँ पे कोई तो बेसिक प्रॉब्लम होगी जिस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट जो आरबीआई की हैंडबुक ऑफ स्टेट्स का है 2020-21 की, उसमें ज़्यादातर पैरामीटर्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। आई कैन गो ऑन एंड ऑन ऑन दिस, बट बेसिकली ये 5 स्टेट्स में, राजस्थान को छोड़ के, या 4 स्टेट्स में क्यों नहीं हालत सुधर रहे, और क्यों यहाँ पे कौन इसके लिए ज़िम्मेदार था? ये है नेट जीडीपी पर ऑफ द स्टेट्स पर कैपिटा।
ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यही नहीं है कि पिछले 1-2 साल में यहाँ इन राज्यों की जीडीपी कम हुई है, इनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन द कंट्री जो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। अगर आप ऑल इंडिया फिगर देखें तो ये यहाँ से बिल्कुल ऊपर जा रहा है ये यहाँ पे। और आप बिहार देखें, ऑलमोस्ट फ्लैट, पिछले 10 साल से बिल्कुल फ्लैट चला रहा है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है। सेम थिंग इन यूपी, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। झारखंड ये तो नीचे आ गया है, केवल राजस्थान को छोड़ के, एमपी, झारखंड, यूपी और बिहार, ये 4 स्टेट्स में जीडीपी ग्रोथ जो है, जो ऑल इंडिया ग्रोथ है, उससे कम चल रही है। इसका ये मतलब है कि आगे चल के ये स्टेट्स और भी पिछड़ जाएंगे बाकी कंट्री से। ये जो ऊपर स्टेट्स हैं ये हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है। तेलंगाना केवल 7 साल में ये टॉप 4 में आ चुका है फॉर जीडीपी ग्रोथ में। तो चलिए अब ड्रिल डाउन करते हैं पिछले 70 सालों में कि कौन सी वो पार्टी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन फिगर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मैंने कंप्यूट किया है पार्टी इन पावर पिछले 70 सालों में इन स्टेट्स में। तो जो ऊपर वाला जो फिगर है वो है 51 से 2021 तक, यानी कि 70 ईयर्स का ये पीरियड। बिहार में इन 70 सालों में 72% इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में रही, 28% नॉन कांग्रेस पार्टीज या मोस्टली एनडीए या उनके सहायक दल पावर में रहे। लेफ्ट हैंड साइड पर इस पीरियड को मैंने ब्रेक डाउन किया है 2 हिस्सों में। एक तो है 51 से लेकर 2000 तक, यानी कि 50 साल का पीरियड। इसमें कांग्रेस 92% ऑफ द टाइम वॉज इन पावर और केवल 8% जो था वो बीजेपी या एनडीए वॉज इन पावर। राइट हैंड साइड पर सेम फिगर 2000 से 2021, ये 20 साल का पीरियड है, इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसमें 76% जो है वो बीजेपी पावर में रही और 24% जो है वो कांग्रेस पावर में रही। सेकंड स्टेट है झारखंड, यहाँ पे कांग्रेस कभी भी पावर में नहीं रही है क्योंकि ये स्टेट बना ही 2000 में था। उसके बाद 71% ऑफ द टाइम एनडीए या उसके सहायक दल पावर में रहे, 19% अदर दल जो कि मैं जेएमएम को मानता हूँ वो लोग रहे, और 10% ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल रहा। ये केवल 20 साल का पीरियड है तो दोनों फिगर्स सेम ही हैं। मध्य प्रदेश 51 से 2021 तक कांग्रेस 61% ऑफ द टाइम वाज इन पावर एंड एनडीए 39%। इसको ब्रेक किया, पहले 50 साल में कांग्रेस 77% ऑफ द टाइम वाज इन पावर और 23% एनडीए वाज इन पावर। पिछले 20 साल में ये उल्टा है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहाँ पे एनडीए और बीजेपी 76% ऑफ द टाइम वाज इन पावर और कांग्रेस जो थी वो 24%। राजस्थान थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे पहले 70 साल में 70% टाइम कांग्रेस पावर में रही, 30% बीजेपी। 50 सालों में 51 से 2000 तक 78% कांग्रेस, 22% बीजेपी। लेकिन पिछले जो 20 साल हैं वहाँ पे ये 50-50 रहा है, ऑलमोस्ट 50-50 रहा है, 52% कांग्रेस, 48% बीजेपी। उत्तर प्रदेश ये भी थोड़ा सा बाकियों से विभिन्न है, यहाँ पे 70 सालों में 50% टाइम पे कांग्रेस पावर में रही, 22% बीजेपी, 24% अन्य दल यानी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी, और 4% प्रेसिडेंट्स रूल रहा। 50 साल का जो पीरियड था 51 से 2000 तक, उसमें 72% कांग्रेस में पावर रही, 18% बीजेपी, 4% अन्य दल, 6% प्रेसिडेंट्स रूल। लास्ट 20 साल में कांग्रेस वहाँ पावर में बिल्कुल नहीं रही है, 29% बीजेपी रही है और 71% ऑफ द टाइम अन्य दल यानी कि सपा और बीएसपी पावर में रहे हैं। तो ये है समरी साइड।
स्लाइड, अगर हम पांचों स्टेट्स को ले लें और वहां पर ये कंप्यूट करें एज अ टोटल, तो 50 सालों में 51 से 2000 तक कांग्रेस 80% ऑफ द टाइम इन पांच स्टेट्स में रूल किया है। उसके बाद जो 20 साल हैं वहाँ पे बीजेपी ने 60% ऑफ द टाइम रूल किया है, 18% अन्य दलों ने रूल किया है। ये एक कंबाइंड टोटल है पांच स्टेट्स का, ये पूरे इंडिया का फिगर नहीं है। तो 50 साल में जो है कांग्रेस जो है रफली 39.8 ईयर्स इन्होंने रूल किया है, अगर हम सालों में वो कन्वर्ट कर दें परसेंटेजेस को। एनडीए यानी बीजेपी ने 8.9 ईयर्स रूल किया है और बाकी अन्य दलों ने आधा साल और प्रेसिडेंट्स रूल 0.8 ईयर्स में लगाया गया है यहाँ पे। और जो पिछले 20 साल में ये फिगर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, 20 साल में 4 साल से थोड़ा ऊपर कांग्रेस ने राज किया है, एनडीए ने 12 साढ़े 12 साल राज किया है, अन्य दल 3.8 ईयर्स में वो रूल किया हुआ है। जो क्वेश्चन था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन स्टेट्स के लिए, उसका आंसर बहुत सिंपल है। पहली चीज़ तो जो मोदी जी बोलते हैं पिछले 70 साल, उन 70 सालों में कांग्रेस 41 ईयर्स रूल किया है इन पांच स्टेट्स में। एनडीए बीजेपी ने 23 साल यानी कि उनसे आधा, बाकियों ने 5 साल, 1 साल प्रेसिडेंट्स रूल रहा फ्रॉम 51 to 2021। जो पहले 50 साल थे वहाँ पे कांग्रेस 39.8 ईयर्स, एनडीए 8.9, अदर्स आधा साल, प्रेसिडेंट्स रूल 0.8। और जो लास्ट के 20 साल हैं वहाँ पे एनडीए प्रिडोमिनेंटली पार्टी रही है, रूलिंग पार्टी इन स्टेट्स में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियरली फिक्स हो जाती है, जो कुछ 2000 सन 2000 से पहले हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और जो पिछले 20 सालों में हुआ उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मैं ये मानता हूँ कि जो लास्ट के जो 20 साल हैं उसका वेट ज़्यादा है, वो इसलिए है कि हमारी इकोनॉमी 92 में मनमोहन सिंह जी ने खोली थी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उसका अफेक्ट जो है 2000 के बाद ही आया है। तो जो अमाउंट ऑफ मनी विच वॉज अवेलेबल इन द कंट्री फॉर द लास्ट 20 ईयर्स वो कहीं ज़्यादा था जो कि पहले 50 साल में था। तो उसका जो मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट हुआ है वो उसका डायरेक्ट जिम्मेदार बीजेपी सरकारें ही रही हैं। पिछले 20 साल में भी इन पांच स्टेट्स में कोई तरक्की नहीं हुई है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं बीजेपी और एनडीए सरकारों को मानता हूँ जो कि करंट सिचुएशन है इन पांच छह स्टेट्स की। तो धन्यवाद आज के लिए, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।